हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। तो जितने भी मेरे नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं, भाई जल्दी से क्लास के अंदर आ जाइए ताकि हम लोग हमारा जो लेक्चर है जो हमने पिछली क्लास में आधा किया था उसको आज हम कर सकें पूरा। तो हाँ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है हमारा जो हुआ था उसमें हमने वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज उसी का पार्ट टू हम करने वाले हैं। तो अगर सारे बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ तो जल्दी से आ जाओ क्लास में, आगे चलेंगे, पार्ट टू को हम करेंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, पुराने किड्स तो मुझे जानते होंगे, बट जो मेरे नए नए बच्चे हैं उन लोगों को एक बार मैं अपने आप से करवा दूँ पहचान। सो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने आप को। हाई गाइज, माई नेम इज़ निकिता, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। और हम लोग साथ में हमारे टर्म टू की कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। चलिए, सो आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है, ठीक है। अब वो सरप्राइज क्या है, वो सरप्राइज कुछ इस तरीके से का है कि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू ईयर की सेल। न्यू ईयर सेल किस चीज की सेल है वो? अब वो सेल है कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर ढूंढ रहा है नाइन्थ क्लास से लेकर के ट्वेल्थ क्लास का रिविजन क्लास, ठीक है, नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक का कोई भी रिविजन क्लास आपको चाहिए, जेई या नीट या का कोई क्रैश कोर्स चाहिए, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाउटनेट है आपके लिए, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, डाउटनेट पर बस कूपन कोड लगाना है आपको और सीधा सीधा जो है आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। वो कूपन कोड क्या है? कैपिटल NY50, ये लगा देना बस आपको जो भी कोर्स खरीदना है। अगर वो कोर्स 100 का है तो वो सीधा सीधा 50% ऑफ होके 50 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना कोई भी मनचाहा कोर्स डाउटनेट पर से खरीद सकते हैं, क्लासेस पा सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है डाउटनेट का मतलब, डाउट तो बचेगा ही नहीं, सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और अच्छे मार्क्स तो आने ही आने हैं फिर, है ना। चलो, तो ये था आज का सरप्राइज क्लास में, ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट। और इसी के साथ हम करते हैं फिर आज के हमारे लेक्चर को शुरू बिना किसी देरी के, ठीक है। तो जितने बच्चे आ चुके हैं भाई, जल्दी से अगर क्लास में कोई डाउट हो आप लोगों का कमेंट के नीचे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपना डाउट पूछते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि क्लास जो है वो आपको कैसी लग रही है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। क्योंकि मैं अगली बारी जब आपसे मिलने आऊंगी तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, ठीक है, कुछ MCQs में लेकर आऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे हो जाएगी हमारी प्रैक्टिस, फाइन। चलो, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। और जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि भाई देखो, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, जो कि लिखा गया है हर्ष मंदिर के द्वारा, भाई बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसको हम लोगों ने, है ना, पिछली क्लास में आधा कर लिया था। सो आज हम लोग इसके हैं पार्ट नंबर टू पर, यानी कि इसके आगे की कहानी अब हम देखेंगे। आगे की कहानी बढ़ाने से पहले मैं एक बारी जल्दी से रिकैप समरी दे देती हूँ अभी तक हमने कहानी में क्या पढ़ा है। हर्ष मंदिर ने बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लिखी है, वेदरिंग द स्टॉर्म। वेदरिंग का मतलब होता है सेफली बाहर आना, झेल जाना, है ना, क्या झेल जाना, तूफान को। सो यहाँ पर अरसामा, जो कि ओडिशा का एक छोटा सा टाउन है, कोस्टल टाउन है, यानी कि आप कह सकते हो कि सी एरिया के पास है वो टाउन, ठीक है, हम कह सकते हैं समुद्री तट पर है वो जो शहर है, उसके बारे में बात हो रही है, है ना, उस गांव के बारे में बात हो रही है। और उस गांव में आता है बहुत ही भयानक तूफान। सो वहां पर ये जो कहानी हमें देखने को मिल रही है, ये कहानी है एक छोटे से प्यारे से लड़के की, छोटा इतना भी छोटा नहीं है, लाइक ही इज 19 ईयर्स ओल्ड। सो उस बच्चे की हमें कहानी देखने को मिल रही है। और वो क्या होता है कि कहानी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि उसकी मम्मी को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, उसके बाद ना वो कुछ समय के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ पर गया हुआ है, अपने फ्रेंड के यहाँ पर गया, अपने फ्रेंड के घर पर रुका हुआ है। अब अचानक से क्या होता है कि अरसामा में, है ना, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स इन अरसामा, वहां पर आ जाता है एकदम से एक बहुत ही भयंकर भयानक सा तूफान, ऐसा तूफान कि आज तक प्रशांत ने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, इतना कुछ भयानक वहां हो जाता है एकदम से, ना सारी हवाएं रुख बदल देती हैं, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, जो अच्छा खासा मौसम था जोरों से बारिश होने लग जाती है, लगातार बारिश होती रहती है, ठंडी बारिश लगातार हुए जा रही है, पानी घरों में जा रहा है, लोगों के हवाएं इतनी तेज चल रही है कि पेड़ उखड़ उखड़ के गिर जा रहे हैं, ठीक है, अपरूट हो रहे हैं और वो गिर जा रहे हैं, पेड़ गिर जा रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही, क्योंकि लोगों के जो घर है ना वो कच्चे घर, घर में कुछ नहीं बचा है, घर भी जो है वो क्या हो गए, घर भी तबाह हो गए, इतनी ज्यादा भयंकर भयानक हवा चल रही थी, इतना भयानक वो तूफान था।
जो कुछ घर बचे थे वो केवल वही घर थे जो थोड़े पक्के घर थे, जो ईंट के और सीमेंट वगैरह के बने हुए थे। अब होता क्या है कि जब घरों में लोगों के बीच में एक दहशत फैल जाती है, पीपल आर स्केर्ड, वो डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तूफान आ रहा है ना। सो उस समय पे क्या होता है कि जो हमारा प्रशांत है अपने फ्रेंड के साथ है, अपने फ्रेंड के घर पर है, उनकी फैमिली के साथ है, सो उनके घर में क्या होता है कि रात को उनके घर पे भी एकदम से अचानक से एक पेड़ आकर गिर जाता है। और जो पेड़ आकर गिर जाता है तो भाई उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है ना। तो लेकिन क्या होता है, वो पेड़ का गिरना उनके लिए अच्छा साबित होता है बाद में जाकर के, क्योंकि वही जो है पेड़ की वजह से वो जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोकोनट्स मिलते हैं और कोकोनट्स की वजह से वो पानी पी करके, खाना खा करके, कोकोनट्स को खा करके जिंदा रहते हैं। अब होता क्या है कि भाई टाइम निकलता जाता है, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, तूफान आ रखा है, तूफान की घड़ी है, सारे के सारे जो है अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर जाकर के एक साथ चिपक चिपक के हडल करके बैठ जाते हैं। और प्रशांत जो है वो अपने मन ही मन में उसकी हालत खराब हो रही होती है, अपने परिवार को सोच करके कि भाई मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मेरे उनकी मम्मी तो होती नहीं है बट मेरे परिवार वालों का, मेरे पिता का है ना, मेरी नानी का, इन सब का क्या होगा, मैं अपने परिवार वालों के पास जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, वो पता नहीं कैसे हैं, जिंदा हैं, क्या हुआ है, सुरक्षित तो है ना। वो सारे ख्याल जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में आते हैं, वो सारे डरावने ख्याल जो है प्रशांत के दिमाग में आ रहे होते हैं और वो बहुत परेशान हो रहा होता है। बेचारा बच्चा बैठ करके रो रहा होता है छत पर कि बस भगवान जल्दी से ये बारिश बंद हो जाए और मैं जा करके अपनी फैमिली से मिल सकूं। अब होता क्या है कि वो ये समय का बस इंतजार कर रहा होता है। और वहीं पर हम लोग पढ़ते हैं कि दो दिन बाद, जो कि असल में क्या लगता है, जो कि प्रशांत को लगता है कि दो साल का लंबा समय है, द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड, जो बारिश है वो बंद हो जाती है और जो पानी है बारिश का वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। तो क्या होता है कि प्रशांत के तो दिमाग में होता है कि भाई अब मुझे नहीं सुनना किसी का भी, मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है और मुझे अपनी फैमिली को ढूंढ करके आना है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड की फैमिली है, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, अभी देखो बाहर का जो माहौल है वो इतना कोई सुरक्षित नहीं है, खतरा है, बाहर जाओगे अभी कुछ नहीं पता है, तूफान अभी गया नहीं है, छटा नहीं है, तूफान के बादल अभी भी हैं, सो आपको सेफ यहीं रह पाओगे जब आप हमारे साथ रहोगे। पर प्रशांत कहीं सुनने वाला है, ऐसे में जब हमें हमारी फैमिली, हमें जब हमारे लव्ड वंस की टेंशन होती है, हम नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते एक जगह पे, तो प्रशांत भी नहीं रह पाता। वो बस, उसको पता होता है कि उसे बस जाना है, उसे कुछ नहीं करना है, उसे बस निकलना है वहां से, उसे जाकर के अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढना है। So he equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18 kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. ठीक है, he constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. अब क्या होता है, जैसे प्रशांत ने दिमाग में ठान लिया मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है, मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है, तो वो क्या करता है, वो मोटी सी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी डंडी उठा लेता है और उस डंडी से पकड़ करके उस डंडी को निकल पड़ता है 18 किलोमीटर लंबी जर्नी पर, 18 किलोमीटर लंबे एक सफर पे है ना, एक जर्नी पे निकल पड़ता है कि भाई मुझे जाना है और मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है। अब वो क्या करता है, वो जो भाई फ्लड वाटर्स, बाढ़ का पानी, वो ऊपर आतर चुका एकदम ऐसे यहां तक है ना, आप कह सकते हो कि गर्दन तक, नेक तक जो पानी भरा हुआ है वो उसमें निकल पड़ता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी है ना। ऐसे में इंसान जो है ना, आप समझ सकते हो कि ऐसे में इंसान जो होता है नहीं आता समझ में, हम लोग क्यों अपने, जब हमारे, हमें लगता है ना कि हमारे खुद के लव्ड वंस, डियर वंस जो है वो परेशानी में, हमें नहीं समझ में आता, हमें बस एक चीज दिख रही होती है कि कुछ भी हो कैसे भी हो वो लोग बस सेफ हों और मैं उनके पास जैसे भी पहुंच जाऊं, बस मैं उनके पास पहुंच जाऊं, उसे कुछ नजर नहीं आता कि बाढ़ का पानी है, कि यहां यहां तक पानी भरा हुआ है, कि बाहर सेफ है कि नहीं है, वो बस सोचता है कि मुझे अपनी डंडी उठानी है, मुझे चल पड़ना है, बस मुझे जैसे तैसे अपने माँ बाप के पास पहुंचना है, अपने अपने परिवार वालों को ढूंढना है और देखना है कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। मोटी सी डंडी उठाता है, 18 किलोमीटर लंबी जर्नी पर निकल पड़ता है ना, और वो जर्नी ऐसी थी, वो सफर ऐसा था कि वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला।
उसको अपनी डंडी का इस्तेमाल करके बार बार ना ऐसे पटक पटक के देखना पड़ रहा था कि भाई पानी कहाँ ज्यादा गहरा है, कहाँ ज्यादा गहरा नहीं है, कहाँ पानी भरा हुआ है, डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं फिसल ना जाए। तो वो क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था कि कहाँ पर पानी सबसे कम गहरा है, कहाँ पर पानी डीप नहीं है, है ना। जहाँ ज्यादा गहरा पानी है वहां उसे तैरना पड़ रहा था, वरना वो अपनी डंडी से ऐसे पटक पटक कर उसको, है ना, पानी के अंदर दिख तो नहीं रहा था, गंदा पानी था। सो वो क्या कर रहा था, वो उसको वहां पर डंडी से पता लगा रहा था कि भाई आगे बढ़ा जाए, तैर के जाऊं, कैसे जाऊं, रास्ता है या नहीं है, ठीक है। सो आगे क्या होता है, एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो। अब कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जो पानी था वो भाई बहुत ऊपर तक आ चुका था, मतलब यहां यहां तक पानी आ चुका था, और कहीं कहीं पर क्या था, कहीं कहीं पर उसको ना ढंग से वो नहीं आगे बढ़ पा रहा था। यार हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि वो जो नजारा था ना, जब बादल छटे और जब थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ साफ होने लगा, तूफान का टाइम जो है, तूफानी रात जो थी, वो जो दिन थे वो जब हटे, तब हमें देखने को मिला कि हर तरफ जो है तबाही तबाही थी। घरों का मलबा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डेब्रिस बोलते हैं, डेब्रिस जो था वो हर तरफ हमें नजर आ रहा था, कैरकेसेस नजर आ रहे थे। कैरकेसेस का मतलब होता है एनिमल डेड बॉडीज, है ना, कॉर्पसेस, ह्यूमन कॉर्पसेस, यानी कि ह्यूमन डेड बॉडीज नजर आ रही थी। तो ऐसे में आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कि पानी कहां पर कम गहरा है, कहां ज्यादा गहरा है। धीरे धीरे आगे बढ़े, कहीं कहीं तो पानी कमर तक आ रहा था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। At several points he lost the road and had to swim. कहीं कहीं तो वो रास्ता भी खो गया था, उसे तैर करके जाना पड़ा। After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. और कुछ time बाद उसको क्या मिला, उसको अपने, यहाँ पे देख रहे हो, फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसे अपने अंकल के दो दोस्त मिल गए। तो जब उसको अपने थोड़े जान पहचान वाले लोग मिले ना, रास्ते में जब वो जा रहा था अपने घर वापस, उसे जान पहचान के लोग मिले कि अरे ये लोग जो दो लोग हैं ये तो मेरे अंकल के दोस्त हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग साथ में ही गाँव की तरफ चलते हैं। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे वो पानी में से तैरते हुए जा रहे थे ना, तो जो जो उन्होंने नजारा देखा रास्ते में, वो तो भाई बहुत ज्यादा स्केरी था, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। They had to push away many human bodies, men, women, children and carcasses of dogs, goats, cattle that the current swept against them as they moved ahead. Like this is actually very disturbing. हम इसे read भी कर रहे हैं तो बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि एक mental picture बन रही है कि आप सोचो, एक 19 साल का बच्चा जो अपने family को ढूंढने के लिए जा रहा है, और जिस रास्ते पे वो है उस रास्ते में क्या हो रहा है, पानी का बहाव ना उन्हीं की तरफ है, यानी कि they were moving against the current, है ना। वो क्या कर रहे थे, अगर वो आगे बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव उनके उनके किधर की ओर था, उनके उल्टे ओर था, है ना। अगर वो आगे जा रहे तो पानी का बहाव इसी तरफ है, और क्या हो रहा था उस पानी के बहाव में, बच्चे, औरतें, आदमी, इन सभी की डेड बॉडीज, और तो और जानवरों की, भेड़ बकरियों की, डॉग्स की, इन सब की डेड बॉडीज उनके रास्ते में आ रही थी, और उनको उन्हें हटाना पड़ रहा था। मतलब आप सोचो कि एक इंसान जो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए गया और वो रास्ते में जो ये नज़ारा देख रहा है, वो किसी के भी दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। और ये रास्ता वो प्रशांत जो है तय कर रहा था अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। In every village that they passed, they could barely see a house standing. जितने भी गांव से, 18 किलोमीटर लंबा सफर था अपने गांव की ओर वापस, तो जितने भी गांव से उस रास्ते के बीच में वो गुजरे, तो वहां पर क्या हुआ, जितने भी गांव से गुजरे वहां पे उन्हें मुश्किल से भी एक घर नजर आया होगा। मतलब पूरे गांव में से मुश्किल से एक या दो घर थे जो बचे हुए थे, बाकी सब कुछ तबाह हो चुका था तूफान के अंदर। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। Sure, he was sure that his family could not have survived this catastrophe. प्रशांत ने जब ये नजारा देखा तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जो है वो परेशान हो जाएगा। तो वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा, और उसको क्या था, उसको अंदर से ऐसा लगने लगा कि पक्की बात है मेरा परिवार नहीं बचा है, वो इस तूफान में जा चुका है, मैं अपने परिवार को खो बैठा हूँ, ठीक है। Eventually, प्रशांत reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. बोल रहे जैसे ही प्रशांत आखिरकार अपने गांव पहुंचा, गांव का नाम क्या है, कालीकुडा। क्या है बेटा गांव का नाम, कालीकुडा। So this is important, याद रखेंगे, ठीक है। So जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा, उसका जो दिल है वो एकदम से बैठ गया, क्योंकि जहां पे, जिधर उसका घर था, अब घर की जगह पर कोई भी घर का नामो निशान नहीं था, अब वहां पर केवल घर का बचा हुआ क्या था, घर की बची हुई रूफ के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, रूफ के पार्ट्स जो है वो पानी में तैर रहे थे।
यानी कि वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए जब पहुंचा तो जहां उसका घर था, अब घर के नाम पे कुछ नहीं है, वहां पे सब कुछ तबाह हो चुका है, वहां पर केवल उसके घर का कुछ एक आधा हिस्सा, छत कहीं पे तैर रही है, कहीं कुछ है, मतलब वहां पे डेब्रिस दोबारा से मलबा पड़ा हुआ था, है ना, सिर्फ तबाही ही तबाही थी, उनका घर भी नहीं बचा था। अब हम आते हैं एक छोटे से क्विज राउंड पे। भाई देखो, बहुत कुछ तो पढ़ा दिया है, सब इतना तो सफिशिएंट है कि अब आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आधी कहानी बता दी थी, एंड नाउ इन दिस लेक्चर आल्सो हम लोग क्या कर चुके हैं, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हाफ ऑफ द स्टोरी, है ना, मोर देन हाफ ऑफ द स्टोरी। सो इट्स टाइम फॉर योर नॉलेज टेस्ट। अब हम आपकी नॉलेज का कर लेते हैं टेस्ट कि आपने कितने ध्यान से सुना है, कितना ध्यान दिया है। सो गाइज पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान होकर के सतर्क बैठना, ठीक है, फोकस के साथ, और प्लीज मुझे लाइव चैट में कमेंट करके क्विज का आंसर मत दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाती हूँ। हाँ जी, मैं तुम्हारे आंसर्स चेक करती हूँ, मैं कमेंट्स को रिविजिट करती रहती हूँ देखने के लिए कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के अंदर। सो परफॉर्मेंस मैं आपकी नाप पाऊंगी जब आप कमेंट सेक्शन में अपना क्विज का आंसर कमेंट करोगे, लाइव चैट नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। सो क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, ये रहा। सो How much distance was covered by Prashant through flood waters? Prashant ने कितना distance cover किया था वो बाढ़ के पानी में? 18 kilometers, 100 kilometers, 80 kilometers या 200 kilometers? कितना distance उसने cover किया था? Option A, Option B, Option C, Option D. 18, 100 kilometers, 80, 80 या 200? कितना लंबा जो है वो चल करके गया था अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए? अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो उसका घर कितना दूर था, कितना लंबा रास्ता उसने उस बाढ़ के पानी में क्या किया था, कवर किया था। सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे, व्हाट्स द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड अगला क्वेश्चन। हाँ एक और क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड प्रशांत रीच हिज विलेज? प्रशांत अपने गांव कैसे पहुंचा? ट्रैवलिंग ऑन फुट, अपने पैरों पे ट्रैवल करके, स्विमिंग थ्रू द वॉटर, पानी में से तैर करके, बोथ ए एंड बी, ये भी किया और ये भी किया, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? भाई उसके पास बाइक थी, कार थी, हेलीकॉप्टर था, बोट थी, क्या था? जल्दी से, अभी हमने पढ़ा यार, अभी हमने पढ़ा है। सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू गाइस। डिफिकल्टी लेवल इसका है ही नहीं, जिस बच्चे को चीजें समझ में आ रही होती है ना उसके लिए कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, फिर उसको सारे क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल लगता है कि यार ये आसान है, इससे इजी क्या मैम, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है तो इजी ही लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे चेक करते। तो हाउ मच डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाई प्रशांत थ्रू फ्लड वाटर्स? ऑब्वियसली गाइज 18 किलोमीटर है कि नहीं? हाँ हाँ 18 किलोमीटर ही है, 18 किलोमीटर उसने चला था वो, अभी तो मैंने बताया था। और उसी के साथ कैसे गया था, कहीं कहीं तो उसे चलना पड़ रहा था, कहीं कहीं वो स्विम कर रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही तरीके से वो पहुंचा अपने गांव, ठीक है। सो अब हमने देख लिया कि वो जब गांव पहुंचा तो क्या हुआ, गांव पहुंचा तो जहां पर वंस उसका घर था, जहां पर एक बारी में उसका घर दिखता था, वहां पर अब घर की जगह कुछ नहीं बचा, बल्कि वहां पर क्या था, बल्कि वहां पर बचा तो घर का टूटा फूटा हिस्सा, कुछ कुछ हिस्सा था घर का जो तैरता हुआ इधर उधर पड़ा मिल गया, वरना तो घर के नाम पर तबाही थी, नामो निशान नहीं था घर का। अब आगे क्या हुआ, सो सम ऑफ द बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ तो उनके घर का जो सामान था वो ना बाजू में जो पेड़ था उसके अंदर ऐसे लिपटा हुआ, उसके अंदर फंसा हुआ नजर आ रहा था, ठीक है, पानी के ऊपर। सो यंग प्रशांत, वो जो हमारा नौजवान प्रशांत जो बच्चा था, उसने डिसाइड किया कि मैं रेड क्रॉस जाऊंगा और वहां जाकर के अपनी फैमिली को ढूंढूंगा। अब ये रेड क्रॉस क्या होता है, ये रेड क्रॉस बेटा एक ना चैरिटेबल वो है, एनजीओ टाइप्स आप समझ सकते हो, एक चैरिटेबल एसोसिएशन है जहां पर जब कहीं पर प्रॉब्लम आती है, जब कहीं पर डिजास्टर होता है, जब लोग फंस जाते हैं, तो ये जो है रेड क्रॉस एसोसिएशन ये लोगों की मदद करती है, ठीक है, ये लोगों को आप कह सकते हो रिलीफ टाइप का, ठीक है, राहत पहुंचाते हैं। सो वहां जाकर के
उनका एक शेल्टर लगा हुआ था, इतना गंदा तूफान आया था लोगों को मदद करने के लिए। सो प्रशांत ने देखा कि भाई यहाँ मेरा घर था, अब घर के नाम पे तो कुछ नहीं बचा है, मेरे घर की छत यहाँ पड़ी हुई है, घर का हमारा जो सामान है वो पेड़ में पानी के ऊपर, पेड़ जो है पेड़ के ब्रांचेस में फंसा हुआ है, वहां पर हमें नजर आ रहा है। सो उसने सोचा कि यहाँ तो फैमिली मेंबर्स नहीं मिलने वाले, हो सकता है मेरे मम्मी पापा जो है, मेरे जो परिवार वाले हैं, अंकल जो है, वो सब मुझे कहाँ मिले, रेड क्रॉस के शेल्टर में मुझे मिले। सो वहां जाकर के उसने ढूंढने का सोचा। अब वो गया वहां पर, सो क्या हुआ, अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। जो भीड़ में से जो पहला इंसान उसको नजर आया वो कौन था, वो उसकी नानी माँ थी। अब हमें कैसे पता चल रहा है नानी माँ थी, ग्रैंडमदर तो एक कॉमन वर्ड है, नानी माँ के लिए भी इस्तेमाल होता है, दादी के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे पता कि नानी थी कि दादी थी, कौन मुझे बताना चाहेगा, कैसे पता कि ये जो हमारी क्यूट सा यहाँ पे कैरेक्टर है ये नानी माँ है या दादी माँ है। इजी है, बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी। ग्रैंड मदर एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जो नानी और दादी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जल्दी से बताओ, देखते किसकी किसका ध्यान बहुत तेज है, कौन ध्यान से देख रहा है और किसकी नजर बहुत तेज है कि पकड़ लेगा। चलो सो मैं बताऊं क्या होगा यहां करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे को पता है कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग आंसर कर चुके हो। वेरी वेल डन, एक बार ये अपने लिए तालियां बजा लो यार, वेरी वेल डन किड्स। सो यहाँ पर ये मैटरनल वर्ड से हमें पता चल गया कि मम्मी की मम्मी यानी हमारी नानी माँ। सो यहाँ पर उसने जब हम अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर को देखा तो वो समझ गया है ना, उनको पता चल गया कि हाँ यार मेरा कोई तो फैमिली मेंबर जो है वो वहां पे जिंदा है। सो यहाँ पर अच्छा, पेटर्नल बोलते हैं तो दादी, मैटरनल मीन्स नानी और पेटर्नल ग्रैंड मदर मीन्स दादी। सो यहाँ पे मैटरनल लिखा है तो हमें पता चल गया कि जो है वो कौन है, नानी माँ है। तो उसे जो क्राउड में सबसे पहला परिचित कोई जाना पहचाना इंसान दिखा वो उसको अपनी नानी माँ दिखी, है ना। वीक विद हंगर, जो बहुत कमजोर हो चुकी थी भूख से, शी रश टू हिम, वो फिर भी भाग करके प्रशांत के पास गई, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उनके हाथ ऐसे खुल गए। ऐसे नानी माँ के पास, नानी माँ होती है ना, अलग ही प्यार होता है उनको अपने बच्चे से। सो शी हर हैंड्स वर आउटस्ट्रेच्ड सो शी कुड हग प्रशांत, ताकि वो प्रशांत को हग कर सके, है ना। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग, उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे, आंसू जो है आंखों में ऐसे आ गए थे बाहर, ठीक है। इट वॉज अ मिरेकल, वो एक चमत्कार था, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेट। जैसा हमारा प्रशांत सोच रहा था कि पता नहीं मेरा जो परिवार है वो शायद अब नहीं बचा, दे ऑल आर डेड, वही चीज चल रही थी प्रशांत की फैमिली के दिमाग में कि प्रशांत नहीं बचा, प्रशांत मर चुका है। बट जब प्रशांत ने अपनी दादी माँ सॉरी नानी माँ प्रशांत ने जब अपनी नानी माँ को भीड़ में देखा और उसकी नानी माँ ने प्रशांत को देखा तो वो दौड़ी चली गई। हालांकि वो भूख से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, बट शी रश्ड रश्ड टूवर्ड्स प्रशांत, हर हैंड्स वर आउटस्ट्रेच्ड सो शी कुड हग हिम एंड हर आईज वर ब्रिमिंग, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, है ना, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारा तो बेटा जो है वो डेड है, वो मर चुका है। So quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. और जल्दी से ये बात जो है हर जगह फैल चुकी थी कि भाई प्रशांत जिंदा है, प्रशांत मरा नहीं है, ये बात सभी में फैल गई और उसका जो बाकी का परिवार था they rushed, वो जल्दी जल्दी से आ गया और उन्होंने क्या करा, उन्होंने आकर के प्रशांत को ऐसे हक कर लिया, गले लगा लिया, है ना, बहुत ही टाइटली, राहत में कि थैंक गॉड हमारा बच्चा जो है वो जिंदा है। प्रशांत anxiously scanned the mortally battered group. और प्रशांत ने क्या करा, प्रशांत ने जल्दी से वो जो ग्रुप था, जो सब उसके परिवार वालों ने जिन्होंने भी सबने आकर के जो प्रशांत को ऐसे हक किया, तो प्रशांत ने बहुत एंशियसली बहुत जल्दी जल्दी से ऐसे सबको देखा कि हाँ मेरा सारा परिवार है ना, सब लोग जिंदा है ना, उसने ये एक बारी स्कैन कर लिया, ठीक है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, उसने देखा कि सब लोग हैं कि नहीं है, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है, है ना, कोई किसी को कुछ हुआ तो नहीं है, तो उसके भैया भाभी दीदी अंकल सब लोग वहीं पर थे, यानी कि उसका परिवार सेफ था, थैंक गॉड, थैंक गॉड, है ना। सब किसी के साथ भी होना चाहिए, इट इज अ वेरी क्या बोल सकते हैं, वेरी डिसहार्टनिंग थिंग टू एक्सपीरियंस भाई, कि अगर कोई एक इंसान जो है अपने फैमिली को ऐसे खो देता है, वो भी एक स्टॉर्म में, एक डिजास्टर में। सो प्रशांत की जिसकी हम कहानी सुन रहे हैं, एटलीस्ट उसका परिवार जो है जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो सेफ था, हालांकि बहुत से लोगों ने अपनी क्या करा था, अपने फैमिली मेंबर्स को खोया था। बिकॉज ये एक असली कहानी है, ये झूठी कहानी नहीं है, ये एक असली कहानी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, दिस इज़ अ रियल स्टोरी।
ठीक है. सो जब उसको पता चला कि हाँ भाई मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है, तो बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ. जैसे ही अगली सुबह हुई, प्रशांत को अपना परिवार मिल चुका था, अगली सुबह हुई तो उसने सोचा कि यार अब मुझे ना अपने आप को संभालना पड़ेगा. ठीक है, बहुत परेशान था, सब कुछ था, बट अब हमें इस घड़ी को, इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन में अपने आप को संभालना पड़ेगा. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. और उसने देखा कि वो जो रेड क्रॉस शेल्टर था, कहां पर थे ये लोग? रेड क्रॉस शेल्टर में थे ये लोग. तो वहां पर इन्होंने देखा कि ये जो रेड क्रॉस हमारा शेल्टर है, इस शेल्टर के अंदर 2500 लोग, 2500 लोगों की क्राउड जो है वो उस शेल्टर में रह रहा था. और उन सब के ऊपर एक मौत के बादल छाए हुए थे, मतलब कि एक डेडली ग्रीफ. सब लोग किसी ना किसी चीज को लेकर के, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के उदास थे. किसी ना हर एक इंसान ने कभी ना कोई अपना जो फैमिली मेंबर है उसे खो दिया था. कोई किसी के लिए रो रहा था, कोई किसी के लिए रो रहा था, बच्चे थे, एवरीबडी वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, है ना. वो लोग स्टेबल नहीं थे. सो 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज. पूरे गांव में 86 लोगों की डेथ हो चुकी थी. ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे. और उस गाँव के अंदर टोटल 96 हाउसेज थे, कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे तबाह हो चुके थे. इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर. और उनका चौथा दिन था वहां शेल्टर में रहते रहते. चार दिनों से वो लोग वहां रह रहे थे. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स. और तब से लेकर अब तक वो लोग चार दिनों से केवल वो जो ग्रीन कलर के कोकोनट्स होते हैं ना, जिसके अंदर खूब सारा नारियल पानी होता है, उस पर वो लोग जिंदा थे. बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल. लेकिन अब जो थे चार दिनों से तो वो उन हरे हरे नारियल पे जिंदा थे, लेकिन अब जो है वो नारियल कम पड़ रहे थे, उतने सभी लोगों के लिए सफिशियंट नहीं थे. ठीक है. सो आगे बात हो रही है कि प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो हमारा एक बहुत ही यंग बच्चा है 19 ईयर्स का, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड, है ना. तो प्रशांत जो कि केवल एक 19 इयर्स ओल्ड बॉय था, उसने सोचा कि यार कोई नहीं कर रहा है, मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, वरना हम लोग भूख से मर जाएंगे. बेशक हम लोग स्टॉर्म से बच गए, हम लोग उस तूफान को सरवाइव कर गए, भूख से हम मर जाएंगे क्योंकि हालत बहुत क्रिटिकल है. अभी तक चार दिन से हालत जो थी के जैसे तैसे हम लोग काट रहे थे, कि हम लोग ग्रीन कोकोनट्स को पी करके खा करके जिंदा थे. अब उतना भी नहीं बचा है, तो लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. कोई आगे नहीं आ रहा है, मुझे ही आगे आना पड़ेगा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. तो उन्होंने क्या करा, उसने ना लोगों को इकट्ठा करा, जवान लोगों को, बूढ़े लोगों को, और उन सबको इकट्ठा करके बोला कि देखो ये जो दुकानदार है ना, हमें इसको प्रेशराइज, उस पर दबाव डालना पड़ेगा, और दोबारा से, मतलब कि ये लोग पहले एक बार ही कर चुके थे, बट तब ना कुछ उनको अच्छा रिजल्ट मिला नहीं था. तो उसने कहा कि अब मुझे दोबारा दबाव डालना पड़ेगा, और अब इसको मनाना पड़ेगा कि भाई जो तुम्हारे पास चावल हैं, जो चावल बचे हैं इसको दे दो, कोई फायदा नहीं है उसे बचा करके रखने का, कुछ नहीं बचा है, उस चावल को दे दो, लोगों का भला हो जाएगा. सो दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली. ठीक है, वो कह रहे हैं कि बस इस बार क्या हुआ, इस बार वो नेगोसिएशन, वो जो वो अपनी बात करने गए थे, वो बातचीत में वो सक्सेसफुल रहे और वो विजय होकर के, जीत करके वापिस आए. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स With food for the entire shelter. और वो वापस कैसे आए, तैरते हुए, वो पानी को, पानी के बीच में से, पानी में से तैरते हुए वापस आ गए. उस मर्चेंट के पास गए थे, पहले गए थे, पहले उसने मना कर दिया था दुकान वाले ने, अब की बार गए तो उस शॉपकीपर को उन्होंने प्रेशराइज करके समझा लिया कि भाई कोई फायदा नहीं है यार, इतने सारे लोग हैं, उन लोगों का भला कर दो, उनको अगर पेट भर जाएगा वो जिंदा रहेंगे. सो उन्होंने उसको प्रेशराइज करा, उसको समझाया, और फाइनली वो मान गया. सो अब की बार उनकी जीत हुई अपनी बात मनवाने में, लोगों तक खाना पहुंचाने में, और वो खाना लेकर के पानी में से तैरते हुए वापस अपने शेल्टर पर आ गए. No one cared that the rice was already rotting. किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जो चावल है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो चुका था. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. जो branches, fallen trees, यानि कि वो पेड़ जो तूफान में गिर गए थे, उनकी टहनियों को इस्तेमाल करके इन्होंने एक आग जलाई. Because देखो आग जल पाती है सूखी लकड़ी में, obvious ही बात है हर तरफ बाढ़ थी, तो वो जो गीली जो लकड़ी थी वो गीली हो चुकी थी, तो इतनी strong और इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं बड़ी आग नहीं लग पाई. वो बहुत जलती बुझती सी हल्की सी स्लो फायर लगी क्योंकि गीली लकड़ियां थी, बट उन्होंने उस को जलाया, उन पेड़ों पे से उनके ब्रांचेस को पकड़ के गैदर किया उनको, और उनको जलाया. जैसे भी जितनी भी आग लगी, स्लो फायर लगी, उस पर चावल को पका दिया, है ना. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डेज द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज. सो कह रहे चार दिनों में पहला दिन था वो कि जितने भी लोग बच गए थे उस स्टॉर्म से, वो अपना पेट भर के खाना खा पाए थे.
His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. So, अब इतना काम तो हो गया. प्रशांत के दिमाग में टास्क था कि पहले मुझे लोगों की भूख मिटानी है. अब उसके बाद जब उसने भूख मिटा दी, लोग चार दिन में पहली बार भर पेट खाना खा पाए, उसका अगला टास्क था कि अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे लोगों के लिए एक यूथ वॉलंटियर ऑर्गेनाइज करने, यानी कि जितने भी नौजवान लोग हैं जो अपने आप से काम करना चाहते हैं उन सबको इकट्ठा करना है, लोगों को जिनको चोट लग गई है उनकी चोट का ध्यान रखना है, जो घायल लोग हैं इंजर्ड पीपल को हमें क्या करना है, फर्स्ट एड देना है, उसके अलावा ये शेल्टर साफ करना होगा. वो जो वहाँ पर लोगों ने ऐसे पोटी कर रखी थी, जो आसपास लोगों की देखो हालत खराब थी, जाहिर सी बात है ना, दे डिडंट हैव द हम क्या कह सकते हैं द लग्जरी उस टाइम पर, वो लग्जरी थी जाहिर सी बात है. देखो ऐसे में स्टॉर्म आ रखा है, लोगों की हालत खराब है, वहां पर टॉयलेट बना दे वो बहुत बड़ी बात है भाई. आपने शेल्टर बना दिया, लोग वहां रह सके वही बहुत बड़ी बात है. टॉयलेट तो बहुत ही अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल चीज हो गई. सो वहां पे बहुत गंदी हालत थी, लोगों की वॉमिट वहीं थी, यूरिन वहीं था, सब कुछ फिल्थ, गंदगी सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ था. सो उसने सोचा कि भाई ऐसे रहे तो नहीं पाएंगे, इसको साफ करना पड़ेगा, वॉमिट साफ करनी पड़ेगी, गंदगी यूरिन जो भी लोगों की सुसुपोटी थी वो सब कुछ हमें साफ करना पड़ेगा एंड हमें लोगों को इलाज करना पड़ेगा उन लोगों का. सो ये सब ऑर्गेनाइज कर दिया था हमारे प्रशांत ने. भाई एक 19 साल का बच्चा ये कर रहा है, आप सोच रहे हो. देखो ऑन द फिफ्थ डे, पांचवें दिन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स. पांचवें दिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक हेलीकॉप्टर आया उनके ऊपर से उड़ के गया और उसने कुछ खाना उनको दे दिया. ठीक है, इट देन डिड नॉट रिटर्न, पर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर दोबारा वापस नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. पर वो जो यूथ टास्क फोर्स थी, जो कि किसने ऑर्गेनाइज करी थी, किसने इकट्ठा करा था, किसने लोगों को गैदर किया था हेल्प करने के लिए, लोगों को गैदर किया था प्रशांत ने. प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने लोगों को गैदर किया, उन्होंने बोला कि शेल्टर में जितने खाली बर्तन हैं उन्हें इकट्ठा कर लो. देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. और प्रशांत ने क्या करा, वो खाली बर्तन इकट्ठा करवा करके उन्होंने बच्चों को बोला कि तुम लेट जाओ पानी के बाजू में जो मिट्टी है उस मिट्टी पर लेट जाओ और अपने वो जो खाली बर्तन है वो अपने पेट पर रख लो ताकि ऊपर से जाते हुए हेलीकॉप्टर को समझ में आए कि भाई इनके बर्तन खाली हैं और ये जो नीचे लोग हैं वो बहुत परेशानी में हैं एंड भूखे हैं. देखो कितना दिमाग लगाया उस बच्चे ने. द मैसेज गॉट थ्रू और ये मैसेज जो था वो पासिंग बाय हेलीकॉप्टर्स तक पहुंच गया एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर. और उसके बाद हेलीकॉप्टर रेगुलरली शेल्टर के वहां पर राउंड चक्कर लगाने लगा, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और क्या देने लगा, खाना दे करके और बाकी जो बेसिक नीड्स थी वो पहुंचाने लग गया हमारे शेल्टर के लोगों तक. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफर्ड. प्रशांत ने उसके बाद देखा कि इस स्टॉर्म की वजह से बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके थे, उनके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. सो उसने क्या करा, उसने उन सभी बच्चों को इकट्ठा करा और उनके लिए एक अलग से जगह बनाई और उनके ऊपर एक पॉलिथीन शीट वाला एक शेल्टर बनाया कि तुम यहां पर रह सकते हो. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. और उन्होंने बोला कि जितनी भी औरतें होंगी औरतें वहां पर रुकेंगी पीछे शेल्टर में और उन बच्चों का ध्यान रखेंगे और जितने आदमी होंगे वो बाहर जाकर के खाना वगैरह लेकर के आएंगे. ठीक है, सो ऐसे उसने अरेंज किया सब कुछ. As the weeks passed, जैसे जैसे हफ्ते चलते चले गए, प्रशांत was quick to recognize that the women and the children were sinking deeper and deeper in their grief. और जैसे जैसे हफ्ते चलते चले गए, बीतते चले गए, प्रशांत को समझ में आया कि वो जो औरतें थी, वो जो बच्चे थे, वो सारे के सारे उस दुख में, अपने परिवार वालों को खो जाने के दुख में, अपना सब कुछ जो है एक झटके में, एक तूफान में खो जाने के दुख में वो डूबते जा रहे थे. He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. तो उसने क्या करा, उसने उन लोगों को सोचा कि अगर मैं इनको ऐसे छोड़ दूंगा तो ये दुख में और ज्यादा डूब जाएंगे, इनको कोई ना कोई इनका दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा ताकि इनको अपने उस दुख की याद कमाए. तो उसने औरतों को मनाया कि आपको फूड फॉर वर्क एक प्रोग्राम है जो कि एक NGO के द्वारा स्टार्ट किया गया है, आप उसमें काम करो, है ना. एंड फॉर द चिल्ड्रन, और उसने बच्चों के लिए क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट. उसने स्पोर्ट्स इवेंट के बच्चों का कोई स्पोर्ट्स में ध्यान लगा रहेगा तो वो भी कम उदास होंगे, वो उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे. ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट. उसे खुद को भी प्रशांत को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था. सो उसने क्या करा, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करा बच्चों के लिए ताकि बच्चे भी जो हैं कहीं ना कहीं बिजी रहें. ठीक है, प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स. अब प्रशांत ने बाकी वॉलंटियर्स के साथ मिल करके
मदद करी कि विडोज जितनी भी क्या है विधवा औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी का जो बाकी का बचा कुचा टूटा बिखरा हुआ सा जिंदगी का हिस्सा है उसे संभाल लें, अपनी उस जिंदगी को बेहतर कर लें। हालांकि जाहिर सी बात है स्टॉर्म में जो जिंदगी उससे पहले की जो जिंदगी थी वो वापस नहीं आ सकती। बहुत सी औरतों ने उसी तूफान में अपने हस्बैंड्स को खो दिया और वो विधवा बन गई, है ना, दे बिकेम विडोज। और बहुत से बच्चों ने उसी तूफान में अपने माँ बाप को खो करके वो भी ऑर्फन बन गए। तो प्रशांत ने उन लोगों को समझाया और वॉलंटियर्स की मदद से उनको मदद करी ये समझाने में कि भाई तुम्हारा जो बची हुई जिंदगी है उसको बचा लो, उसको इकट्ठा कर लो, उसको संभाल लो, है ना। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन एंड विडोज। जो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का प्लान था वो ये था कि ऑर्फन्स के लिए यानी कि अनाथ बच्चों के लिए एंड विडोज यानी कि विधवाओं के लिए अलग से वो इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे। हाउएवर हालांकि दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड। क्या हुआ था, प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स ने इस कदम का बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रेजिस्ट किया, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इनकार किया, डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि वो चाहता था कि जो विमेन हैं और जो ऑर्फन्स हैं यार उनको साथ में रखा जाए। बच्चों को चाहिए क्या, एक फैमिली, और वो जो फैमिली थी जिनके आधे आधे जो है जो फैमिलीज थी जो ब्रोकन थी उनको कहीं ना कहीं एक एक बच्चा मिलता तो वो फैमिली भी कंप्लीट हो जाती, है ना। सो उन्होंने कहा कि इनको साथ में रखना चाहिए, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज। देखो क्योंकि उन्होंने इस आइडिया को इसलिए रेजिस्ट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे में ना बच्चे जो हैं अलग से अगर बड़े होंगे तो बिना प्यार के बिना केयर के पड़े होंगे और जो विडोज हैं है ना वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विडोज हैं वो अकेलेपन से सफर करेंगी। सो प्रशांत ग्रुप बिलीव दैट प्रशांत के ग्रुप का मानना था कि ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि ऑर्फन्स को उनके खुद के कम्युनिटी के अंदर ही रिसेटल करना चाहिए, यानी कि वो जहाँ से आते हैं उसी में उनको भेजना चाहिए, उनके लिए अलग से दुनिया नहीं बनानी चाहिए कि अनाथ बच्चे ही यहाँ पर रहेंगे क्योंकि वहाँ पर उनको प्यार नहीं मिलेगा। तो प्रशांत का मानना था कि इनको इनको इन्हीं फैमिलीज में, विडोज की फैमिलीज में या इनको इन्हीं फैमिलीज में भेज दिया जाए, यानी कि अगर इनको बच्चे इनको लोग जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है और इन बच्चों ने क्या कर लिया, लोगों ने अपने परिवार को खोया, इन बच्चों ने अपने फैमिली के मम्मी पापा को खोया, तो इन ऐसे लोगों को आपस में मिला दिया जाए, है ना। ऐसे लोगों को अगर आपस में मिला दिया जाएगा तो दोनों के जो वो प्यार और वो जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। सो ये आइडिया था प्रशांत और उसके ग्रुप का, है ना। तो उन्होंने सोचा कि पॉसिबली न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। सो वो कह रहे कि विडोज जो है उनको क्या है, विडोज जो है उनके पास क्या नहीं है, उनके पास बच्चे नहीं है, बच्चों के पास जो है चिल्ड्रन, बच्चों के पास जो है उनके पास माँ बाप का प्यार नहीं है, तो इनको ही मिला दिया जाए भाई, ये एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और खुश भी रहेंगे, अकेलापन भी नहीं होगा। ये था आइडिया हमारे प्रशांत और उसके ग्रुप का। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर आता है अंत पे। सो ये जो हुआ था ये पूरा का पूरा एक असली इंसिडेंट था और यहाँ पे से हमें समझ में आया कि देखो हमें ना हीरोज की वेट नहीं करना पड़ता है, हम अपने आप के भी हीरो बन सकते हैं और हम बहुत से लोगों के भी हीरो बन सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर एक ऐसे मुसीबत की घड़ी आती है ना जहाँ पर हम किसके लिए, जहाँ पर हम अपने वालों के लिए तड़पते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो भी अपने फैमिलीज के लिए, वो भी अपने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर प्रशांत से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि बहुत ही यंग सा एक बच्चा था, है ना, और हम लोग वेट करते कि किसी स्टॉर्म में, है ना। यहाँ पर प्रशांत को अगर देखा जाए तो प्रशांत वॉज लाइक कि अगर देखें एक तरीके से तो प्रशांत एक ऐसा बच्चा था जो देख रहा था कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, है ना, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे मैं अपनी फैमिली के लिए तड़प रहा हूँ और मेरी फैमिली जिंदा है, बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली को खोया है, सो क्या करना चाहिए, मुझे भी हेल्प करनी चाहिए उन लोगों की, मुझे भी उन लोगों को बेहतर फील करवाना चाहिए, मुझे भी, है ना, किसी को तो आगे बढ़ करके आना चाहिए, अगर कोई और नहीं आ रहा है तो मैं ही क्यों ना बनूं वो इंसान, अगर हमारे लिए कोई हीरो नहीं है तो मैं क्यों ना वो हीरो बन जाऊं, मैं क्यों ना लोगों की मदद करूं। सो लोग क्या करते थे आगे कि लोग जब भी ना ये इस इतने बुरे समय में जहां पर कोई किसी की मदद करने नहीं आया वहां पर प्रशांत था वो इंसान जो अपने दुखों को भूल करके, क्योंकि यही इसी सेम, देखो तूफान सबके लिए आया था, अगर उन बच्चों के लिए आया था तो प्रशांत के लिए भी आया था, अगर बाकी परिवारों के लिए था तो प्रशांत और उसके परिवार के लिए भी था, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि देखो आप उससे आगे का सोच करके चलो, है ना, कि यार दुख आते हैं लेकिन हम उसके बाद का क्या प्लान होता है। सो लोगों को भी ताकत मिलती है यार, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग अब थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ रखेंगे तो लोगों को भी दिखेगी और लोग भी संभाल पाएंगे अपने आप को। सो होता है ना ये दुख की घड़ी में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं और वही सहारा प्रशांत दूसरों का बना तो दूसरे भी प्रशांत के बने। लोगों को स्ट्रेंथ मिलती थी प्रशांत को देख करके कि इतने इतने डार्क टाइम में
प्रशांत ने जितनी स्ट्रेंथ दिखाई, वो एक छोटा सा बच्चा है ना, जो लोग डर जाते हैं इस उम्र में, नहीं समझ में आता है ना, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं यार, उस उम्र में उस बच्चे ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, तो लोगों को उसको देख करके ताकत आती थी कि अगर ये कर सकता है, ये अगर हम लोगों के लिए, अपने लिए लड़ा, हमारे लिए लड़ा, तो हम भी कर सकते, तो लोग उसको देख करके इंस्पायर होते थे। तो ये है हमारी प्यारी सी कहानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, यानी कि स्टॉर्म से, एक बहुत ही भयानक तूफान से बाहर निकल करके सेफली आना, और खुद नहीं आना, सबको निकाल करके लाना। सो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी आपकी बुक मोमेंट्स से, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं है ना, वो इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि टर्म टू में आने वाला है, सिलेबस है आपका, तो जाहिर सी बात है एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही। फाइन, चलिए। सो अगर जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको कोई कमी लगी हो लेक्चर में, तो प्लीज लेट मी नो है ना, कॉमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको पूरा चीज समझ में आई कि नहीं आई, एक्सप्लेनेशन सही था कि नहीं था। एंड अगर कोई और इसके अलावा फीडबैक है तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं फीडबैक्स आपके पढ़ते रहती हूँ, और उसी हिसाब से हम लोग और साथ में बेटर तरीके से आपके लिए क्लास और भी ज़्यादा अच्छी बना पाएंगे। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलना ही नहीं है यार। और मैं मिलूंगी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइज़।